हाई कोलेस्ट्रॉल है चिंता का विषय। हृदय संबंधित कई समस्याओं का करना पड़ता है सामना। नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल का जमना है जानलेवा। इन चीजों को खाकर कम करें कोलेस्ट्रॉल लेवल। बढ़ गया है कोलेस्ट्रॉल तो डाइट में शामिल करें ये 5 फल, काबू में आ जाएगा बैड कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल आज एक चिंता का विषय बना हुआ है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण इन दिनों बहुत से लोग परेशान रहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण हृदय संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह आपके ब्लड में पाया जाने वाला एक मोमी पदार्थ है जो हेल्दी कोशिका निर्माण प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण आपको मतली, हाई ब्लड प्रेशर, हैवी फील होना, बहुत अधिक थकान और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। साथ ही आजकल की बिजी लाइफ में ना चाहते हुए भी लोग गलत खानपान की तरफ खुद को धकेलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बेहद कम उम्र में वो कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज और दिल के रोगों का शिकार हो रहे हैं। अपने कोलेस्ट्रॉल को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए डाइट बहुत जरूरी है। हाई कोलेस्ट्रॉल वाले कई लोगों को यह चिंता होती है कि डाइट में फलों को शामिल किया जाए या नहीं, तो इस वीडियो में हम आपको 5 बेहतरीन फलों के बारे में बताएंगे जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करेंगे। जैसे कि टमाटर, फल और सब्जी का सबसे अच्छा संयोजन। टमाटर विटामिन ए, बी, सी और के जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। उन्हें हार्ट फ्रेंडली भोजन माना जाता है जो ब्लड प्रेशर के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज करने में मदद करता है। सेब, यह सिर्फ त्वचा और बालों के लिए ही नहीं बल्कि दिल के लिए भी फायदेमंद होता है। वे LDL कोलेस्ट्रॉल के अनहेल्दी लेवल को कम करते हैं और कई बीमारियों को हमारे दिल को नुकसान पहुँचाने से रोकते हैं। एवोकाडो, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए एवोकाडो एक बेहतरीन फल है। वे दिल को हेल्दी रखते हैं और स्ट्रोक के जोखिम को कम करते हैं और LDL और HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं। साथ ही ये आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं, पाचन में सुधार करने और वजन कम करने में भी फायदेमंद होते हैं। पपीता, इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही LDL या खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कंट्रोल करता है। पपीते का सेवन पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखता है। इसमें पेपेन नामक एक एंजाइम होता है। खट्टे फल, संतरे, नींबू, अंगूर जैसे सभी खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। ये फल न केवल त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होते हैं बल्कि खराब कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने में भी मदद करते हैं। इसके साथ ही सैचुरेटेड फैट से बनाए दूरी जैसे कि बर्गर, पिज्जा, पास्ता, कुकीज, हाई फैट वाला मीट, सॉसेस, चिप्स, पनीर, मक्खन और क्रीम जैसी चीजों से जो फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट कहलाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट वाला भोजन लेते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी कोलेस्ट्रॉल या मरीज बना सकता है। कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचने के लिए अनहेल्दी सैचुरेटेड फैट सीमित करना जरूरी है। सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है या किसी भी तरह के योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श करें। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए पेज को फॉलो करना न भूलें।